तो चलिए आज देखिए हम लोग एस एस सी का प्री का 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और 20 क्वेश्चन आगे कराना बाकी है तो आगे का सॉल्यूशन देख लीजिए बाकी जो आपका टेलीग्राम पे दिया हुआ है क्वेश्चन अपना सॉल्व करिए इसको तो देखिए बीस क्वेश्चन सोलूसन कराते हैं आगे का और आज ही एवरेज का पी डी चला जाएगा सीजियल का और उसको सोलूसन कर लीजिएगा फिर नेक्स्ट डे हम उसको सोलूसन करा देंगे चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बीस तक करा दिया था इक्कीस नंबर क्वेश्चन करा जाए इक्कीस नंबर क्वेश्चन ठीक है आइए इक्कीस नंबर कहता है कि ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल इज थर्टी परसेंट डिस्काउंट कहता है एक दुकानदार ने तीस परसेंट डिस्काउंट पे खरीदा तो डिस्काउंट पर खरीदा मतलब एम पी रेशियो सी पी और तीस परसेंट का मतलब होता है तीन बटे दस यानी दस से वो सात में खरीदा तीस परसेंट का मतलब कितना होता है तीस परसेंट का मतलब होता है थ्री वाइड आपका टेन होता है ये हो गया एम पी ए हो गया डिस्काउंट है ना द खरीदा और उसके अंकित मूल्य पर पाँच परसेंट छूट पर बेचता है अंकित मूल्य पर पाँच परसेंट छूट पर बेचता है है ना यानी यहाँ पे लगा दीजिए एस पी पाँच परसेंट छूट मतलब पाँच परसेंट मतलब कितना होता है एक बटा बीस होता है यानी बीस से उन्नीस में बेचा ठीक है चलिए तो यहाँ तो एम पी क्या होगा बराबर होगा यहाँ पे क्या होगा एम पी आपका बराबर होगा तो इसमें मैं दो से गुना कर दूंगा तो एम मेरा क्या हो जाएगा बराबर उन्नीस रेशियो बीस रेशियो कितना हो जाएगा चौदह तो पूछ रहा है तो भैया पैंसठ रुपये का लाभ हुआ है पैंसठ रुपये का लाभ हुआ आपके सवाल में यहाँ पे कितने का लाभ हुआ पाँच का पूछ रहा है निकालने के लिए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा तो बीस के बारे में पूछ रहा था मैं यहाँ पर निकाल दूंगा तेरह पच्चीस पैंसठ तेरह धूनी छब्बीस आंसर क्या होगा सर छः दो सौ साठ रुपये का आपका निकल गया बड़ा आसान सा क्वेश्चन था क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर बाईस देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर अगर आप इसको बनाने जाइएगा तो बहुत वक्त लगेगा इस क्वेश्चन को लेकिन मैं अपने थोड़ा लॉजिक से इसको क्वेश्चन को बना लेता हूँ जरा सा देखिए कैसे कहता है एक वस्तु को एक सौ इकतीस रुपया पच्चीस पैसा में बेचा और एस पी आपको दे रखा है एक सौ इकतीस रुपया पच्चीस पैसा में बेचा कहता है वस्तु का लागत मूल्य प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्या के प्रतिशत लाभ के बराबर होता है इंग्लिश में पढ़ लीजिए कहता है ट्रेडर्स गेन एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस मतलब कहता है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट प्रॉफिट है ठीक है मतलब जैसे एक, एक सपोज एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए अगर सी आपका एक्स है तो परसेंट प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा एक्स परसेंट हो जाएगा मतलब कहने का मतलब ये हुआ अगर सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बीस है तो परसेंट एस पी भी क्या होगा बीस हो गया मतलब इस तरह से करना चाह रहा तो देखिए सर अगर इसको हम एक से बना जाएंगे ना तो बड़ा समय लग जाएगा तो मैं एक छोटा सा एक, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं कि देखिए एक सौ इकतीस रुपया पच्चीस पैसा अगर मान लीजिए सी पी अगर मैं अस्सी लेता हूँ तो परसेंट एस परसेंट प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा अस्सी परसेंट हो जाएगा तो परसेंट एस पी अगर निकालेंगे बुआ तो अस्सी का तुलना सौ से और एक सौ अस्सी यानी हमारा क्या आ जाएगा अठारह आठ चौवाली एक सौ चवालीस रुपये आएगा यानी जो भी मेरा डाटा होगा ना जो भी मेरा मान होगा अस्सी से कम होगा लेकिन जिसके लास्ट में पाँच चाहिए इसका मतलब है कि वो ऐसा नंबर होगा ऐसा नंबर होगा जी जो सीपी भी पच्चीस होगा सीपी के लास्ट में भी पाँच होगा परसेंट प्रॉफिट के लास्ट में भी पाँच होगा तभी अब सवाल होगा तो मैं सीपी अगर पचहत्तर लेता हूँ पचहत्तर लेता हूँ तो परसेंट प्रॉफिट भी मेरा क्या होगा सेवेंटी फाइव परसेंट ही होगा सर इसको देखिए तो अब यहाँ से एस पी निकाल के देखिए ये आ जाएगा एस पी का तुलना करेंगे पचहत्तर का तुलना आपका हो जाएगा पच पच्ची, पच्चीस परसेंट प्रॉफिट का मतलब हो जाता है तीन बटे चार यानी हो गया ये सीपी हो गया ये हो गया आपका प्रॉफिट तो सी पी रेसियो एस पी करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा चार से हो जाएगा सात हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पचहत्तर हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा एस पी का तुलना सात से गुना हमारा करेंगे चार तो पचहत्तर चौका कितना हो जाएगा तीन साहब यानी ठीक है सॉरी एस पी आ जाएगा ठीक है अब हमें करैमुल निकालना और सॉरी एस पी एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर आपका वहाँ पे दे रखा <cek> बेचने पर सॉरी एस पी दे रखा ठीक है तो मैंने यहाँ पे सी पी लिया है तो जरा सा देखा जाए तो पचहत्तर आपका हो गया बुआ पचहत्तर आपका एस पी हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सात और यहाँ पर करैमुल ये सॉरी सीपी ना दिया हुआ है सॉरी सी पी मैं बार बार एस पी लिख दे रहा हूँ सॉरी सर पचहत्तर आपका हो गया यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा चार अगुना सात एस पी निकाल के देखिए बाबू ये आ जाएगा तो सात पच्चीस पैंतीस और सत स चौके सचास तीन बावन बाई चार देखिए इसको भागा करिएगा तेरह चौके बावन ठीक है सर एक बेरा में टू पॉइंट फाइव हो गया यानी मेरा जो डाटा मैंने जूम किया था वो सही है यानी सी आपका पचहत्तर परसेंट हो गया देखिए मैंने प्रूफ भी कर दिया तो पूछ रहा है आपको निकालने के लिए कि चालीस परसेंट लाभ लेने के लिए इस वस्तु का कितना होगा देखिए तो चालीस परसेंट लाभ लेना है तो क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से आपका होगा एक यानी एक बटे कर देंगे बाबू ठीक है तो एक सौ से जीरो चौदह पच्चीस सत्तर बाकी हाथ में सात चौसठ अंठानवे सात आठ सात पंद्रह एक सौ पाँच बटे दस यानी हमारा हो जाएगा एक सौ पाँच रुपया अगर आप डाटा नहीं सोच पाते हैं तो आपको समय लग जाएगा इस सवाल को करने में ठीक है तो मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ पे आखिरी में पाँच है तो वहाँ लिखा हुआ है कि सी जितना सीपी होगा उतना परसेंट प्रॉफिट होगा यानी अगर मैंने पचहत्तर लास्ट में पाँच लाने के लिए यानी अगर पचहत्तर है तो पचहत् पचहत्तर परसेंट प्रॉफिट भी हो जाएगा कहानी खत्म हो जाएगा सर बड़ा इस आसान सा क्वेश्चन को मैंने बहुत ईजी ढंग से कर दिया ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तेईस देखिए कथा एक टीबी को आठ परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया है ना परसेंट प्रॉफिट था कितना सर आठ परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया ठीक है आगे देखा जाए कथा इसे पच्चीस सौ तिरपन रुपया कम में बेचा जाता तो पंद्रह परसेंट का नुकसान होता लॉस हो जाता पंद्रह परसेंट का यानी यहाँ पे कम कितना हो गया तेईस प्रतिशत का कम हो गया वहां कम कितना दे रखा है सर पच्चीस सौ तिरपन का दे रखा है यहाँ कितना कम का तुलना कम से कर देंगे और आपसे पूछा निकालने के लिए कि अट्ठारह परसेंट पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा अट्ठारह परसेंट एक बटे अट्ठारह सर देखिए अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आठ तिया चौबीस आठ तिया चौबीस इसका यूनिट प्लेस चार होगा तो तीन के साथ किसके गुना किया जाए कि यूनिट प्लेस चार होगा तो आठ के साथ एक के गो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर ये दिखाई दे रहा तेरह ज़ीरो नाइन एट दिखाई दे रहा है तो आंसर आपका हो जाएगा सर बाद बाकी ऑप्शन में कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो आंसर आपका निकल जाएगा ए नंबर निकल जाएगा ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए चलिए सर ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है केशव सुरजीत थॉमस केशव सुरजीत और थॉमस ठीक है कहता है दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में पूंजी को लगाया ये दे रखा है आपका टाइम टाइम कितना दे रखा है सर पाँच अनुपात छः अनुपात नौ तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम होता है ना ये पढ़ा है लाभ बराबर पूंजी गुने समय होता है तो अब देखिए सर आपका प्रॉफिट जब निकालना होगा तो गुना कर दीजिए दस रेशियो अठारह रेशियो क्या हो जाएगा छत्तीस इसको काटिएगा तो पाँच रेशियो नौ रेशियो आपका सॉरी नौ रेशियो आपका अट्ठारह हो जाएगा ठीक है अब देखिए आपको कहता है कि लाभ के बीस परसेंट के कार्यालय को रख रखाव के अगर आपको जितना प्रॉफिट हुआ ना मान लीजिए टोटल प्रॉफिट सौ परसेंट हुआ तो सौ परसेंट प्रॉफिट में से बीस परसेंट प्रॉफिट आपने क्या किया है ऑफिस को देखभाल के लिए रख दिया तो बाकी रेस्ट परसेंट रेस्ट जो आपका एट्टी परसेंट बचा वो कहा आपस में बांट लीजिए तो बांट लिया यदि केशव और सुरजीत के लाभ का हिस्से का अंतर इतना दिया हुआ है शेष लाभ को आपस में बांट लिया जाता है यदि केशव और लाभ तो देखिए शेष लाभ कितना हुआ नौ पान यहाँ पे देखा जाए नौ पान चौदह चौदह और अठारह बत्तीस यानी अस्सी बटे बत्तीस ठीक है सर और देखिए कहता है केशव और सुरजीत के लाभ का हिस्से का आंसर तो केशव हो गया ए और सुरजीत हो गया ए इसके लाभ का हिस्से का अंतर कितना हो गया चार तो मैं निकाल देता हूँ दोनों केशव और सुरजीत के लाभ का हिस्से का अंतर होगा चारि अठी बत्तीस आठ दह के यानी दस परसेंट हमारा अंतर हो गया लेकिन वहाँ पे अंतर दे रखा है कितना बहत्तर सौ चौसठ अंतर का तुलना हम कर देंगे अंतर से और टोटल तो प्रॉफिट निकालना है तो हो जाएगा सौ गुना क्योंकि हमने टोटल तो प्रॉफिट टोटल जो प्रॉफिट माना है वो टोटल प्रॉफिट मैंने कितना माना है सौ तो यहाँ पे कुल लाभ जिसको बोलेंगे कुल लाभ जो आपका निकल जाएगा सर यहां से निकल जाएगा सेवन टू सिक्स फोर जीरो आपका टोटल लाभ निकल जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है सर नेक्स्ट देखा जाए एक दो देखिए ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में आंसर देगा कहता एक दुकानदार कहता शॉपकीपर बॉट है मशीन फोर्टी सिक्स हंड्रेड यानी उसने छियालीस सौ रुपया में उसने खरीदा मशीन को और उसने कहता है कि पाँच सौ रुपया खर्च कर दिया इसको रिपेयरिंग में तो पाँच सौ रुपया उसने खर्च कर दिया रिपेयरिंग में तो उसको टोटल हो गया कितना एकावन सौ रुपया लग गया नहीं एकवन सौ रुपया हो गया अब ये ख़रीद लिया फिर कहता ही मार्क द मशीन एट परसेंट ओवर ऑल द कॉस्ट प्राइस उसने क्या किया इसको एम जो किया है एकावन सौ को एक सौ आठ एक सौ आठ परसेंट ज़्यादा मार्क करके रखा ना एक आठ परसेंट ज़्यादा मार्क करके रखा तो इसको गुना करिएगा तो आप गुना करिएगा तो एक सौ आठ आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा पाँच सौ चालीस आ जाएगा यानी आठ जीरो चार एक पाँच और हो जाएगा पाँच गुना करिएगा तो ए आ जाएगा यानी कुछ एम आपको इस प्रकार आ जाएगा ठीक है आपको एम पी इस प्रकार आ जाएगा तो पूछ रहा है कि हाँ इसको बेच दिया है कितना में इतना में यानी एस पी आपको दे रखा है कितना बाबू आपको एस पी दे रखा है फोर सिक्स एट वन दे रखा है तो घटा दीजिएगा तो डिस्काउंट निकल जाएगा कितना छूट दिया है यानी इतना मार्क करके रखा है इतना छूट दिया आठ में से गया सात आठ दस में से आठ जाएगा दो और जाएगा हम चौदह में से छः जाएगा चौदह में से छः जाएगा आपका आठ आठ सौ सत्ताईस रुपये का छूट तो कहता है कई परसेंट का छूट दे रखा है तो आठ सौ सत्ताईस का छूट दिया है कितना पर अंकित मूल्य पर फाइव फाइव जीरो एट और प्रतिशत निकालना है तो सौ गुना करेंगे क्लियर है तो आप देख लीजिए एक गुना के आसपास जाएगा तो आंसर तुम्हारा बी नहीं होगा बल्कि सी डी ए भी हो सकता है ठीक है सर सी डी ए भी हो सकता है तो अब जरा सा देखिए मुझे इतना बड़ा डाटा है मुझे भाग करना पड़ेगा पचपन जीरो एट। मैं इधर भाग कर देता हूँ ठीक है पचपन ज़ीरो एट से मैं भाग कर दूंगा एट टू सेवन डबल ज़ीरो काटिए मत आसान से निकल जाएगा एक बार में फाइव फाइव ज़ीरो दस में से आठ गया दो बचेगा यहाँ पे छो बारह में से पाँच गया सात सात में से पाँच गया दो ज़ीरो आ जाएगा अब देखिए यहाँ से क्या लगेगा पाँच बार में लगेगा ठीक है सर अब मुझे पंद्रह के लगभग आ चुका है तो अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ऑप्शन ये हो जाएगा यानी पंद्रह परसेंट लगभग में चला जाएगा कटेगा नहीं सर पंद्रह परसेंट में आ जाएगा ठीक है नहीं कटेगा आठ पच्चीस चालीस नहीं कटेगा देखिए चार हजार है ना तो लगभग पंद्रह परसेंट आपका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा ठीक है सर चलिए छब्बीस नंबर देखा जाए क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिए कहता एन आर्टिकल इज मार्क्ड ट्वेंटी सेवन परसेंट एब इट्स कॉस्ट प्राइस एक वस्तु पर उसके करा से 27 परसेंट अधिक अंकित कर दिया गया यानी अगर सीपी यहाँ पे आप 100 लोगे तो एम पी उसने कर दिया है कितना एक सौ सत्ताईस कर दिया ठीक है और यदि अंकित मूल्य पर x परसेंट छूट दिया जाता है यानी कहता है आपका कि इफ़ x परसेंट डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल देर इज़ ए प्रॉफिट सिक्स पॉइंट सिक्स एट परसेंट अच्छा कहता है कि कर तो दिया है लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है फिर उसके सिक्स पॉइंट सिक्स एट परसेंट का लाभ होता है तो हम लोग लाभ किस पर लेते हैं क्रय मूल्य पर लेते हैं तो अब जरा सा तो लाभ लेने के बाद क्या होता है मुझे विक्रय मूल्य होता है तो एगो एस पी यहाँ पर लिख दीजिए ठीक है यहाँ पर एस पी लिख दीजिए तो सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स एट परसेंट मीन्स कितना होता है तो 6.68 मुझे भी नहीं आता है तो मैं इसको अपने हिसाब से तोड़ लूँगा इसको ठीक है सर ये दो जीरो एक जीरो और आ जाएगा क्योंकि दशमलव एक परसेंट तो ऑलरेडी परसेंट हटेगा तो दो जीरो आ जाएगा आई दशमलव हटेगा तो दो जीरो आ जाएगा तो अब काट दीजिए चार से काट दीजिए सोलह चौके चौंसठ बाकी हाथ में चार चार सत्तर अट्ठाईस चार से काट देंगे पच्चीस सौ आपका ये निकल गया बाबू तो हमारा हो गया देखिए पच्चीस सौ हो जाएगा सी पी आई हो जाएगा प्रॉफिट तो एस पी निकालेंगे तो जोड़ देंगे यानी कितना होगा सात सात छः और पाँच एक छः छब्बीस सौ सड़सठ आ जाएगा है ना छब्बीस सौ सड़सठ रुपया एस पी आ जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा छब्बीस सौ सड़सठ बट और पच्चीस सौ हो जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि सी पी तो दोनों जगह हमेशा बराबर होना चाहिए तो इसमें मैं केवल पच्चीस से गुना कर दूंगा तो मेरा बराबर हो जाएगा छब्बीस सौ सड़सठ और प्लस पच्चीस सौ और यहाँ से गुना कर देंगे तो यहाँ से गुना करेंगे पच्चीस सत्य पचहत्तर से बाकी हाथ में सत्रह पच्चीस गुना पचास सत्रह सड़सठ बाकी हाथ में छः और पच्चीस या छो इकतीस हो गया सर अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है तो एमपी देखिए कितना डिस्काउंट दिया हुआ है इकतीस के समान छब्बीस में बिका है तो हम घटा देंगे इकतीस में हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह में से सात जाएगा आठ और यहाँ पे छः में से छः जाएगा ज़ीरो ग्यारह में से छः जाएगा पाँच यानी पाँच सौ आठ का डिस्काउंट मिला है इकतीस सौ पचहत्तर पर इंटू सौ हो जाएगा क्लियर है इंटू क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि कै परसेंट का डिस्काउंट दे जाएगा तो जरा दरास देखिए अब मुझे भाग करना पड़ेगा या तो आप यहाँ से इकतीस सौ पचहत्तर देखिए भाग करके आराम से निकल जाइए क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो सर एक बार लगेगा वो थ्री वन सेवन फाइव लगेगा दस में से पाँच गया पाँच यहाँ पे जीरो दस में से गया नौ चार में से तीन गया एक यहाँ पे जीरो अब देखिए यहाँ पे जीरो लाना है तो छो पचे तीस अच्छा छः का बयालीस तीन पैंतालीस यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा सोलह परसेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा ठीक है सर आंसर मेरा कितना निकल जाएगा सोलह परसेंट आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ए ने देखिए सत्ताईस नंबर क्वेश्चन ए ने एक वस्तु को बी को पच्चीस परसेंट लाभ पर बेचा ए ने बी को कहा हम तुमको पच्चीस परसेंट लाभ पर बेचते हैं पच्चीस परसेंट मतलब एक बटा चार होता है तो चार से उसको में बेच दिया अब बी ने इसे सी को 15 परसेंट लाभ पर बेचा तो 15 परसेंट लाभ मतलब होता है तीन बटे बीस यानी बीस से तेईस में बेच दिया ध्यान से खाली सुनते चलिएगा अब मैं इसको बना दूँगा भाई तो हो जाएगा सोलह रेशियो बीस रेशियो आपका हो जाएगा तेईस तो देखिए ए एक को एक को खरीदा है सोलह बेचा है बीस में तो इसको फायदा हुआ है को कितना ए का प्रॉफिट हो गया कितना का चार का अब बी खरीदा है बीस में सी को बेचा है तेस में तो ते यहाँ बी का प्रॉफिट कितना हो गया तीन का हो गया और दोनों का बीच का अंतर हो गया एक का वहाँ दिया हुआ ए द्वारा किए गए लाभ से चालीस रुपया कम है वहाँ चालीस रुपया कम है यहाँ पे एक रुपया कम है और आपसे पूछा ए इस वस्तु के लिए कितना मूल दिया था ए उस वस्तु के लिए सोलह मूल्य दिया था तो ए का सी मेरा से पूछ रहा था सोलह तो चौके चौंसठ चार सौ चालीस रुपया आंसर आ जाएगा सॉरी छः सौ चालीस आ जाएगा हाँ आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाओ चलिए क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस देखा जाए कहता है एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची पहली वस्तु का करैमुल दूसरी वस्तु के अच्छा कहता पहली वस्तु का सी है दूसरी वस्तु के एस के बराबर है ये लिखा हुआ और तो पहली वस्तु को बीस परसेंट लाभ पर बेचा है ठीक है बीस परसेंट लाभ मतलब पाँच से छः में बेचा है ठीक है और फिर कहता है दूसरी वस्तु को दस परसेंट हानि के पर बेचा है ये दूसरी परसेंट का तो दस से नौ में बेचा है तो पहला का क्रय करमूल और दूसरा के विक्रय विक्रयमूल के बराबर हैं आपको लिखा हुआ है पहली वस्तु को बीस परसेंट लाभ पर दूसरी वस्तु को बीस दस परसेंट हानि पर तो लाभ या हानि बताइए तो देखिए इसका कहता है करैमूल और इसका विक्रय विक्रयमूल बराबर होना चाहिए तो मैं इसमें नौ से गुना कर दूंगा और इसमें मैं गुना पाँच से कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा तो इधर भी हो जाएगा सर तो टोटल जोड़ लीजिए चलिए एगो अलगे रफ वर्क में यहाँ पे लिख लेते हैं सी पी एस पी दोबारा लिख लेते हैं तो नौ पचे पैंतालीस और यहाँ पे हो जाएगा नौ छः के चौवन आधा पचे पचास और नौ पचे पैंतालीस जोड़ लीजिए इसको तो। पाँच पाँच चार नौ पाँच चार नौ पाँच चार नौ है ना तो क्या हो जाएगा देखिए अब आपसे पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा पंचानवे के समान कितना में बिका है आपका मैं कुछ लगता है गलत कर दिया क्या एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची पहली वस्तु का मूल दूसरी पहली वस्तु का मूल सॉरी मैंने गलत लिख लिया पहली वस्तु का मूल्य है ओहो मुझसे मिस्टेक हो गया सर पहली वस्तु का मूल्य है है ना मैंने सेंटेंस को पढ़ने में एरर कर दिया कहता पहली वस्तु का मूल्य अच्छा पहली वस्तु का मूल्य और दूसरी वस्तु के मूल्य के बराबर है दूसरी वस्तु के मूल्य के बराबर है तो पहली वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बेचा अच्छा चलिए ठीक है 20 परसेंट लाप पर बेचा तो पाँच से छः और कह रहा है कि उस पहली वस्तु को 20 परसेंट के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10 परसेंट के हानि पर तो 10 से 9 में बेचा तो पहली वस्तु का विक्रय मूल और दूसरी वस्तु के क्रय क्रयमूल के बराबर है ना पहला वस्तु का विक्रय विक्रयमूल पहला वस्तु का विक्रय विक्रयमूल्य कितना हो गया छः पहला वस्तु के बारे में आई दूसरा वस्तु के बारे में तो पहला वस्तु का विक्रय मूल दूसरे वस्तु के क्रैमूल के बराबर है तो मैं इसमें ऐसा करूं मैं इसमें आपको पाँच से गुना कर देता हूं इसमें भी पाँच से गुना कर देता हूं आ इसमें मैं तीन से गुना कर देता हूं इसमें भी तीन से गुना कर देता हूं क्या होगा बराबर होगा देखें ये तीस से तीस हो गया तो आपका पच्चीस और तीस पचपन और छो पची तीस अनोती सत्ताईस तो क्या हो जाएगा सत्तावन हो जाएगा तो कितने का फायदा हो गया यहाँ पे सात का फायदा हो जाएगा सात का फ़ायदा होगा किस पर पचपन इंटू सौ पचपन से दो हो जाएगा ना सॉरी पचपन से संतावन कितने का फायदा हो गया दो का फायदा हो गया किस पर हो जाएगा पचपन पर इंटू क्या हो जाएगा सौ आपको कर देंगे पाँच से काट दीजिए ग्यारह पाँच से काट दीजिए बीस यानी चालीस बट्टे ग्यारह प्रतिशत का टोटल क्या हो जाएगा प्रॉफ़िट हो जाएगा आंसर आपका ए निकल जाएगा आंसर क्या निकल जाएगा आपका ए निकल जाएगा राधा एक बैग का तो व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन बैग अच्छा विच कॉस्ट सोलह सौ अस्सी राधा का बैग का कीमत जो है सोलह सौ अस्सी रुपया है कहता है क्या अंकित करें सो एज़ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट आफ्टर अ लॉगिंग अ डिस्काउंट ऑफ सिक्सटीन परसेंट तो हम लोग क्या लगा लेंगे एम पी रेशो सी पी लगा लेंगे क्या लगा लेंगे एम पी रेशो सी पी कहता है कि पच्चीस परसेंट सोलह अंक सोलह परसेंट छूट देने के बाद पच्चीस परसेंट का लाभ होता है जो लाभ होता है वो एम बन जाता है और जो छूट होता है वो सी बन जाता है तो आपका दिया हुआ है सोलह परसेंट का छूट तो कितना हो जाएगा चौरासी अब देखिए सोलह सौ अस्सी रुपया सोलह सौ अस्सी रुपया अंकित मूल है यहाँ सॉरी क्रय क्रयमूल है यहाँ पे कितना क्रय क्रैमूल पूछा है कितना अंकित मूल तो अंकित मूल निकालना है सर एम यानी काटेंगे यहाँ पे दो बार में कट जाएगा बीस बार में एक सौ पच्चीस गुना दो अढ़ाई सौ आ जाएगा सर इंटू आपका पच्चीस सौ रुपया आपका निकल गया हाँ उनतीस का काम हो गया आइए देखा जाए तीस नंबर क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक वस्तु को बेचने पर आठ परसेंट का, का दे रखा एट परसेंट का दे रखा ठीक है और वहां पर तीन सौ रुपया ज्यादा में बेचता तो प्रॉफिट आपका चार परसेंट का होगा तो अंतर कितने का हो गया बारह परसेंट का एक प्रॉफिट एक लॉस का अंतर क्या होता है ऐड हो जाता है तो वहां तीन सौ रुपया ज्यादा मिला यहाँ पे कितना हो जाएगा बारह ज्यादा हो गया और आपसे पूछा है निकालने के लिए क्रैमूल याद करें तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा सीपी आ जाएगा पच्चीस बरही है, तीन सौ यानी क्या होगा पच्चीस सौ रुपया आपका आंसर हो जाएगा पच्चीस सौ रुपया आपका आंसर हो गया देखिए इकतीस नंबर क्वेश्चन एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है ना मार्क प्राइस आपका दे रखा है कितना तिरपन सौ बीस दे रखा है ठीक है तिरपन सौ बीस कहता है इसके दो क्रमिक छूट पहला पंद्रह परसेंट का छूट है फर्स्ट पंद्रह परसेंट का छूट है और अगला कहता है ना दूसरा जो छूट है पहली का बीस परसेंट रहे यानी पहला का बीस परसेंट है बीस परसेंट का मतलब एक बटा पाँच यानी तीन परसेंट डिस्काउंट है तो पूछ रहा है निकालने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या हुआ तो तिरपन सौ बीस पंद्रह परसेंट मतलब होता है तीन बटे बीस यानी छूट देगा तो सत्रह बटे बीस और यहाँ तीन परसेंट का मतलब हो जाएगा संतानवे बटे सौ आपका ये हो जाएगा ठीक है सर जीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए काट लीजिए दूसरे काट दीजिए दूसरे काट दीजिए पच्चीस दुना पचास छब्बीस दुना बावन दू छक्का बारह हो जाएगा तो आपसे अब ये गुना कर लेना टू सिक्स सिक्स इंटू सेवेंटीन इंटू नाइन्टी सेवन आपको गुना करके सौ से पूछ रहा तो क्या हो जाएगा तो निकटतम पूछ रहा है अप्रोक्सीमेशन क्या होगा ठीक है सर यहाँ पे निकटतम क्या होगा तो मैं यहाँ से गुना कर लूँ सत्रह छकम दोतल से बाकी आते में दस सत्रह छकम दोतल से एक सौ दो दस एक सौ बारह बाकी ग्यारह सत्रह दूनी चौंतीस और ग्यारह चौंतीस ग्यारह पैंतालीस क्लियर हो गया पैंतालीस अब गुना नाइन्टी सेवन करना सर तो मैं गुना नाइन्टी सेवन भी करना मैं नहीं कर लेता हूँ वैसे मुझे आसान लगता है सात दूनी चौदह पंद्रह सात बजे पैंतीस छत्तीस सत चौक अट्ठाईस तीन इकतीस नौ दुनिया अठारह नौ दुनिया अठारह उन्नीस नौ बजे पैंतालीस एक छियालीस और नौ चौक छत्तीस हचार चालीस आप जाएगा यानी चार आठ पाँच तेरह नौ छः पंद्रह एक सोलह छः एक सात एक आठ तीन और चार आपका यहाँ से निकल जाएगा देख लीजिए तिरासी तैंतालीस ते छियासी आपको में मुझे दिख रहा है तैंतालीस छियासी मुझे दिख रहा सर आंसर आपका हो जाएगा क्लियर है आंसर आपका निकल गया डी नंबर आंसर हो गया ठीक है अप्रोक्स में दे रखा गया बत्तीस नंबर कहता राधा राधा ए फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर संतावन वॉशिंग मशीन और, और कहता है राधा ए फ्रिज फ्रिज और वॉशिंग मशीन का आपका जो सीपी दे रखा है कितना दे रखा है टोटल सीपी दे रखा है संतावन हजार तीन सौ रुपया दे रखा है ठीक है द ही सोल्ड द फ्रिज फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट पर फ्रिज को फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है तो फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट का मतलब हो गया बीस से तेईस में बेचा है ठीक है और वॉशिंग मशीन को चौबीस परसेंट की हानि पर चौबीस परसेंट का मतलब होता है अगर आप चौबीस परसेंट की वैल्यू नहीं आता तो आप यहाँ से निकाल लीजिए चौबीस परसेंट का मतलब होता है चौबीस बटे सौ हो गया यानी काट देंगे छः बेटा पच्चीस हो जाएगा यानी पच्चीस से क्या हो जाएगा आपका उन्नीस में बेचा ठीक है फिर दोनों को कहता है कि सेलिंग प्राइस आपका बराबर है तो इसमें आप उन्नीस से गुना कर दीजिए और इसमें आप तेईस से गुना कर दीजिए ठीक है तो पूछ रहा है बेचा गया तो वॉशिंग मशीन का क्रैमूल निकालना कुछ नहीं सर आप यहाँ पे देखिए यानी उन्नीस गुना अड़तीस <coughs> तीन सौ अस्सी उन्नीस तीस बाकी हाथ में कितना बच जाएगा पाँच उन्नीस दुनी अड़तीस पाँच तैंतालीस तब यहाँ भी आपका यही यह आएगा इसको गुना कर दीजिए पचीती या पचहत्तर बाकी हाथ में सात और न पचास सात सतावन देखिए हो गया यानी देखे ये फ्रिज हो गया और ये वॉशिंग मशीन का ए सी पी और ये हो गया एस पी हो गया तो टोटल दे रखे तो देखिए कथा उस दोनों को खरीदा पाँच आठ सात पंद्रह पौ तीन आठ एक नौ कितना हो गया नौ सौ पचपन में तो सन्तावन हज़ार तीन सौ रुपया में ख़रीदा है सन्तावन हज़ार तीन सौ में ख़रीदा है यहाँ पे नौ सौ पचपन में ख़रीदा है और पूछा क्या निकालने के लिए वाशिंग मशीन का क्रैमूल वाशिंग मशीन का क्रैमूल पाँच सेवन फाइव आ जाएगा तो देखिए सर आंसर आपका निकल जाएगा डबल जीरो पांच या पंद्रह डबल जीरो पाँच से यहाँ पे कितलर है अब मुझे कैंसिल करना पड़ेगा काटना पड़ेगा पाँच से काट दीजिए पाँच सौ नए पचे पंचानवे एक बार में कट जाएगा पाँच से काट दीजिए ग्यारह पचे पचपन और पचेरे पच्चीस आ जाएगा अब इसको काट लीजिए देखिए तीन बार में कट जाएगा ये तीन बार में तीन सौ बार में कट जाएगा तो तीन सौ पैंतालीस आंसर होगा थ्री फोर फाइव इसको काटिएगा थ्री फोर फाइव पे डबल जीरो आपका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक वस्तु का आपका सीपी दे रखा है कितना अढ़ाई सौ रुपया दे रखा है ठीक है कहता है एक दुकानदार इसका अंकित मूल्य छत्तीस परसेंट छूट पर बेचने पर उसे बीस परसेंट का लाभ होता है फिर एमपी रेशो सीपी लगा लेंगे है ना एम पी रेस्टो सीपी जो लाभ होगा वो बन जाएगा एम पी और जो छूट होगा वो बन जाएगा सीपी यानी काट देंगे आठ से पंद्रह आठ से काट देंगे अढ़ाई आपका आठ फाइव जीरो आपका हो जाएगा एट गुना आपका क्या हो जाएगा पंद्रह पूछ रहा है निकालने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य तो देखिए सर ए ए और सी तो नहीं होगा आंसर जब भी होगा बी और सी हो जाएगा तो इसको गुना करिएगा पच्चीस पंद्रह तीन सौ पचहत्तर और आठ यानी लगभग चार गुना के आसपास जा रहा है चार गुना तो चार गुना मुझे देशमल में एक ही जगह दिख रहा है फोर सिक्स एट पॉइंट सेवन फाइव दशमलव में आएगा आंसर सर कटेगा नहीं तो आंसर आपका निकल जाएगा डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा कहाँ खत्म अगला डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए थर्टी फोर नंबर द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक सौ अस्सी यानी मार्क प्राइस आपको दे रखा है कितना वन एटी दे रखा है कथा रेनू सेल्स है इट आफ्टर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट इट्स मार्क प्राइस एंड सेल स्टिल गेन ट्वेंटी फाइव परसेंट तो एम पी रेशियो सीपी लगा लेंगे है ना एम पी रेशो सीपी लगा लेंगे बीस परसेंट छूट देने के बाद पच्चीस परसेंट का लाभ होता है तो अभी लगाए एम पी रेशियो से भी बार बार लगा रहे हैं सर आपका अस्सी हो जाएगा काट दीजिएगा पाँच से पच्चीस पाँच से आपका सोलह हो जाएगा तो एम पी एक सौ अस्सी दे रखा है यहाँ पर पच्चीस और आपसे पूछा क्या निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस पूछा है वस्तु का मूल्य पूछा है सर सोलह तो यहाँ से गुना कर लीजिए आराम से है ना सही काटा ना पाँच चलिए ठीक है आठ छः अड़तालीस यहाँ से गुना कर ले सुन्ना सोलह अट्ठाईस से बारह सोलह बारह अट्ठाईस बटे पच्चीस ऊपर नीचे चार से गुना कर दीजिए ठीक है तो क्या हो जाएगा जीरो आठ चौके बत्तीस के दो दो अट्ठाईस चौबरियोतल से एक सौ पंद्रह बटे सौ आ जाएगा ठीक है ये से खत्म हो जाएगा एक सौ पंद्रह पॉइंट टू आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सर सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा आंसर क्या जाएगा हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए चलिए थर्टी फाइव देखिए एक डीलर ने खिलौना अठारह सौ रुपया में खरीदा चालीस परसेंट को फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट पर चालीस परसेंट को फिफ्टीन परसेंट के लॉस पर चलिए बहुत अच्छा फिर बच गया साठ परसेंट साठ परसेंट का कहता है कि शेष खिलौना का तैंतीस पॉइंट तीन तीन परसेंट तैंतीस पॉइंट तीन तीन परसेंट का मतलब एक बटा तीन होता है तैतीस पॉइंट तीन तीन परसेंट का मतलब होता है एक बटा तीन यानी बीस परसेंट खिलौने को उसने क्या लगा रहा बीस परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दिया तो चालीस बीस साठ बाकी बचा चालीस चालीस परसेंट बचा तो चालीस परसेंट को कहता है कि तो टोटल पर दस परसेंट का प्रॉफिट हुआ यानी इसको आप रेस ले लीजिए क्वान्टिटी है बेटे ड्रेसो लगा दीजिए बी दो चालीस एक बी दोना चालीस दो दो चार एक पाँच और टोटल पे दस परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो रिमेनिंग पे पूछा है निकालने के लिए माइनस तीस प्लस बीस प्लस टू एक्स बराबर पचास यानी टू एक्स बराबर पचास में यहाँ से घट जाएगा माइनस दस हो जाएगा चालीस ना तो आपका हो जाएगा पचास तीस अस्सी बीस साठ आ जाएगा ना इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस दस उधर साठ हो जाएगा साठ यानी एक्स बराबर आपका तीस परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट आंसर हो जाएगा एक्स का तीस परसेंट निकल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अगला क्वेश्चन छत्तीस नंबर देखिए कथा पचहत्तर वस्तुओं का विक्रय साठ वस्तु पचहत्तर वस्तु का जो आपका एस है साठ वस्तु के सी के बराबर है पंद्रह पच पचहत्तर पंद्रह चौके साठ यानी एस पी रेसो सी पी बराबर क्या होगा फोर रेशियो आपका फ़ाइव निकल जाएगा तो पूछ रहा है निकालने के लिए आपसे तो ठीक है पंद्रह बस् पचहत्तर वस्तुओं का विक्रय मूल्य साठ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ठीक है एस पी बडस पी फोर रेशियो का तो आपका नुकसान हो गया ना सर कितने का नुकसान हो गया एक का नुकसान हो गया फाइव इंटू सौ आपका क्या होगा बीस परसेंट का क्या होगा आपका नुकसान हो चुका है यानी आपको बीस परसेंट का नुकसान हो गया है आंसर क्या हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा कहता एक कस्टमर वांटेड टू परचेज इन आइटम मार्क प्राइस एक लाख दस हज़ार है यानी एम पी है एक वस्तु का कीमत है जो दस हज़ार रुपया है कोई ग्राहक चाहता है कि मुझे पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाए पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट है ना और फ्लैट डिस्काउंट और सारे पच्चीस परसेंट का मिल जाए और फ्लैट डिस्काउंट और बाकी उसको चौदह परसेंट और एक चौदह परसेंट और बारह परसेंट का दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले एक चाहता है कि इस पर मिल जाए या तो अब मुझे ऐसे मिल जाए तो कहता है ऐसे मिल जाए तो ग्राहक को कितना देना पड़ेगा दोनों में कितना का अंतर होगा और कहता है कि कौन सा बेहतर ऑफ़र कौन सा होगा पच्चीस परसेंट वाला लेना बेहतर होगा किससे लेना होगा तो मैं इसका सक्सेसिव निकालूंगा तो आपका चौदह माइनस चौदह माइनस बारह करिएगा तो चौदह बारह एक सौ अड़सठ आ जाएगा बटे सौ ठीक है यानी चौदह बारह माइनस छब्बीस प्लस वन पॉइंट सिक्स एट देखिए अब अंतर लेना है अंतर लेना ये भी माइनस है दोनों को अंतर लेना है तो देखिए सतर्क रहिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस पच्चीस माइनस वन और वन पॉइंट सिक्स एट तो अंतर लीजिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आई ख़त्म हो जाएगा यानी पॉइंट सिक्स एट परसेंट का डिफरेंस आंसर आया तो देखिए पॉइंट सिक्स एट परसेंट का डिफरेंस आपका तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा तो सबसे बेहतर आपका देखिए पच्चीस परसेंट नहीं और ये 25 में 25 यहाँ पे 26 और एक 25 पॉइंट कुछ आ जाएगा तो सबसे बेहतर आपका सबसे ज़्यादा डिस्काउंट तो यही दे रहा है आपको बेहतर होगा इससे तो बेहतर होगा जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो बेहतर होगा ये 25 परसेंट देगा आई 26 यहाँ पे 26 में से एक जाएगा कितना होगा 25 आ जाएगा यानी आपको लगभग मान लीजिए इसको देखा जाए तो कितना जाएगा? आ जाएगा छब्बीस पॉइंट छब्बीस आ जाएगा और जीरो ज़ीरो यानी वन पॉइंट सिक्स एट मतलब दस में से हट गया दो नौ में से छ हो गया तीन पाँच में से एक गया चार चौबीस पॉइंट थ्री टू आपका हो जाएगा ना चौबीस पॉइंट थ्री टू आपका हो जाएगा तो सबसे कम डिस्काउंट शायद ये दे रहा ना चौबीस पॉइंट थ्री टू सबसे कम डिस्काउंट और सबसे ज़्यादा ये दे रहा है तो कहता है कि कौन सा बेहतर होगा आपको लेने के लिए और कितना बेहतर होगा तो सर दोनों में अंतर देखा जाए तो अंतर देखा जाए तो कितने परसेंट का आ रहा है आपका सिक्स पॉइंट एट परसेंट का अंतर आ रहा है ठीक है तो सिक्स पॉइंट एट परसेंट का अंतर आ रहा तो आपसे कहता है कि कितने का पर तो सबसे बेहतर ऑफर यही ना हुआ क्या है कि पच्चीस परसेंट दे रहा है और ये दे रहा है आपको कितना इसको आप देखते हैं इसको घटाएं है, तो चौबीस पॉइंट सिक्स एट आ जाता है तो चौबीस पॉइंट सिक्स एट आइए हो जाएगा पच्चीस परसेंट मैंने घटा दिया तो सही घटाया ना छब छब्बीस में से बिल्कुल मैंने सही घटाया हुआ मेरा सही है यानी छब्बीस अब पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट सिक्स एट दस में से आठ गया दो नौ में से छ हो गया तीन पाँच में से चार गया सर ये आ जाएगा ये इतना का डिस्काउंट दे रहा है सर इतने का डिस्काउंट दे रहा है आपका ठीक है इतने का डिस्काउंट दे रहा है तो सबसे ज़्यादा बेहतर तो यही कल आपको तो ये देगा तो भैया ये पच्चीस परसेंट का दे रहा है चौबीस पॉइंट थ्री एट का दे रहा है यानी पॉइंट सिक्स एट का आपको ये ज़्यादा दे बेहतर दे रहा है तो इस ये पहला दुकानदार से लेना ज़्यादा बेहतर होगा तो ऑप्शन दिया फर्स्ट ऑफर बाय पहला प्रस्ताव सिक्सटी का बी नंबर तो नहीं होगा सेकेंड ऑफर दूसरा पर नहीं सर तो आपका आपका पहला ऑफर होगा पहला ऑफर लेना बेहतर होगा तो कितना परसेंट का तो पहला पहला हो गया तो कितना का दस हज़ार का सिक्सटी एट परसेंट निकालिएगा और यहाँ तो दशमलव हटाइएगा तो दो ज़ीरो आ जाएगा यानी सिक्सटी एट हो जाएगा आंसर मेरा क्या हो जाएगा सर पहला हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर आपका ठीक है नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कहता है ए एक पच्चीस परसेंट का छूट देता है ए आपका पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट देता है और बी आपका कितना देता है बीस परसेंट पाँच परसेंट का दो छूट देता है बीस परसेंट और पाँच परसेंट का दो छूट तो सक्सेसिव लगाइए इधर माइनस बीस माइनस पाँच प्लस बीस गुना पाँच बटे आपका सौ हो जाएगा यहाँ से काटिएगा का एक आ जाएगा माइनस बीस पच्चीस तो देखिए ई से ही खत्म हो जाएगा तो आपका एक परसेंट का अंतर आ जाएगा कितने का होगा एक परसेंट का वहाँ तीन सौ बीस का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे एक और आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा तो सौ अंतर आ जाएगा सर यानी एम कितना हो जाएगा आपका थ्री टू ट्रिपल जीरो आंसर नेक्स्ट आंसर हो जाएगा देखिये थर्टी नाइन देखिए बड़ा आसान है कथा एक कथा है शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल फोर फिफ्थ ऑफ द मार्क प्राइस कथा है एम कुछ है इसका फोर फिफ्थ पर बेचा फोर फिफ्थ पर बेचा चार बड़े पाँच पर बेचा तो आपको कहता है चार बड़े पाँच पर बेचा तो दस पूर्णांक तीन बड़े का हानि हुआ तीन बाय थ्री परसेंट मीन्स तीन बाय थ्री परसेंट मतलब हो गया एक बटा तीस यानी नुकसान हो गया कितना उनतीस बटे तीस का नुकसान हो गया ठीक है सर उनतीस बटे यानी हो गया दस बाय तीन परसेंट का मतलब हो जाएगा ठीक है आ गया तो आपका नुकसान हो गया तो एम पी यहाँ हो गया पाँच छ का तीस एम पी बराबर क्या हो जाएगा आपका उनतीस बटे आपका चौबीस हो जाएगा फिर आपसे क्या करा कि यदि उसको अंकित मूल्य पर ही बेचता यानी इसको जो क्या होता अंकित मूल्य पर ये तो हो गया सी पी और अंकित मूल्य पर ही बेचता मतलब कि चौबीस का सामान उनतीस में बेचता तो कितने का फ़ायदा हो जाता तो पाँच का फायदा हो जाता तो है चौबीस पर इंटू आपका क्या हो जाता सौ आपका आंसर हो जाता तो देखिए पाँच सौ बटा चौबीस आपका हो जाएगा यानी चौबीस दून अड़तालीस बाकी बचेगा दू यानी आपका हो जाएगा यानी बीस यानी चौबीस दून अड़तालीस बीस तो बीस तो निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा अगर चौबीस से भागा दिया जाए कम्प्लीटली भागा दिया जाए पाँच में यानी चौबीस दून अड़तालीस आ जाएगा सर दो आ जाएगा यहाँ पे बीस चौबीस दून अड़तालीस चौबीद अड़तालीस आ जाएगा निकल जाएगा बाकी बच जाएगा बीस और पॉइंट आ जाएगा जीरो और चौबीस नंबर दो सोल्ला यानी बीस पॉइंट नाइन यानी ट्वेंटी वन परसेंट के आसपास पर उसका आंसर चला जाएगा यानी बीस पॉइंट नाइन ट्वेंटी वन परसेंट का आंसर आ जाएगा ठीक है सर नेक्स्ट देखिए चालीस नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कहता है शॉपकीपर मार्क्स एंड आर्टिकल प्राइस ऑफ सच दैट गिव ए डिस्काउंट ऑफ एक्स परसेंट एंड ही गेन ट्वेंटी परसेंट फिर वही है तो आपसे पूछा है एम पी रेशो सीपी तो देखिए एम पी रेशो सीपी लगाइए एम पी रेसो सीपी बराबर जो आपका प्रॉफिट होता है वो एम पी बनता है जो छूट होता है वो तो प्रॉफिट कितना हुआ एक सौ बीस और डिस्काउंट दिया हुआ सौ माइनस एक्स और एम पी आपका दे रखा है कितना एम पी चौदह सौ बहत्तर दे रखा है चौदह सौ बहत्तर अब बटे आपका दे रखा है नौ सौ बीस आपका ठीक है तो आप यहाँ से काट दीजिए जल्दी जल्दी काट लीजिए इसको चार से काट दीजिए चार तिया बारह चार बारह दो चार छ का चौबीस चारियटी बत्तीस चार से काट दीजिएगा तेईस का बानवे आ जाएगा ठीक है यहाँ से काट लीजिए और कट जाएगा चार से आठ से काट लीजिए चार नंबर छत्तीस चार दो नौ आठ चार से काट दीजिए यहाँ पे तीस क्लियर है यहाँ से काट दीजिए तेज का बानवे ते दहों के तीस और यहाँ से दो से काट दीजिए और यहाँ से पाँच काट दीजिए आंसर आपका दो से काट दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा पंद्रह यानी सौ माइनस एक्स बराबर आपका पंद्रह पचास पचहत्तर यानी x बराबर आपका कितना निकल जाएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सर नेक्स्ट अगला देखिए चलिए देखें 41 देखे। नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है वो कर लीजिएगा है ना 41 नंबर में कहता है शॉपकीपर सोल्डर एन आर्टिकल 455 लिखिए जो 2455 लिखा है वहां 455 करिए एक दुकानदार अपने वस्तु को ₹455 में इसको बेचा ठीक है तो कहता है चार सौ रुपया में बेचा तो कहता है कि एट ए लॉस इफ इल है चार सौ रुपया तो उसे लॉस होता है अगला बार जो बेचा चार सौ रुपया में बेचा ठीक है देन ही वुड गेन फोर टाइम्स द लॉस जिसका प्रॉफिट है लॉस का चार गुना है ये मैंने बताया लिखा हुआ है आपका कि उस पे दुकानदार चार सौ पचपन रुपया में बेचता है तो उसे हानि होता है चार सौ नब्बे रुपया में जो बेचता है उसका तो उसे हानि का चार गुना लाभ होता है चार गुना लाभ होता है इस पर तो पूछ रहा है पच्चीस परसेंट लाभ पर वस्तु का क्रय क्रैमूल ज्ञात विक्रय विक्रयमूल ज्ञात करिए देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ डिफरेंस आपका हो जाएगा आ, पाँच आपका डिफरेंस हो जाएगा पाँच आ जाएगा और यहाँ पंद्रह परसेंट हो जाएगा छः पैंसठ का डिफरेंस आ जाएगा है ना यहाँ पर डिफरेंस कितने का, जाएगा? 5 का. तो आ जाएगा पाँच का तो पैंसठ यानी पैंतीस आ जाएगा पैंतीस का यहां आ जाएगा यहाँ पे दस में से पाँच गया पाँच सॉरी दस में से पाँच गया पाँच आठ में से पाँच गया दिन पैंतीस का और यहाँ आ जाएगा पाँच का क्योंकि एक प्रॉफिट तो पैंतीस बटा पाँच गुना एक यानी हो जाएगा यहाँ पे पाँच तो सीपी आपका निकल जाएगा क्या चार सौ पचपन में पाँच लॉस है तो चार सौ साठ आपका निकल जाएगा पूछा निकालने के लिए 25 परसेंट लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य तो 25 परसेंट लाभ पर 25 परसेंट मतलब चार से पाँच हो जाएगा यानी मूल्य पूछा है आपको निकालने के लिए तो काट दीजिएगा अच्छा ओ, यहाँ पे मिस्टेक मैंने कर दिया ना बिल्कुल मिस्टेक कर दिया थर्टी फाइव हो जाएगा यहाँ पे थर्टी फाइव का यहाँ पे हो जाएगा कितना पाँच से पाँच सत्य पैंतीस यहाँ पे सात हो जाएगा यहाँ पे अट्ठाइस हो जाएगा ठीक है सर तो अब देखिए सीपी कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा क्योंकि चार में सात लॉस है तो चार हो जाएगा चार हो जाएगा तो 25 परसेंट लाभ पे निकालना है तो 25 परसेंट लाभ पर सेलिंग प्राइस निकालना है एस बराबर चार का हो जाएगा चार से आपका पाँच हो जाएगा ठीक है पाँच दोनी दस छः पचे तीस इकतीस और चार पचे बीस तीन तेईस बटे चार यानी कितना होगा चार पचे बीस डेसिमल में जाएगा चार पचे बीस आ जाएगा चार सत्ते अट्ठाइस आ जाएगा चार पच्चीस बीस चार सत्ते अट्ठाइस तीन चार सत्ते अट्ठाइस यानी फाइव पॉइंट जीरो का आंसर आ जाएगा यानी आंसर बी हो जाएगा आपका आंसर आपका कितना निकल जाएगा बी हो जाएगा चल जाए तो ठीक है आप इसको पूरा सॉल्यूशन देख लेना बढ़िया से और कल हम आप लोग का आज एवरेज का पी डाल देंगे और कल या परसों आपका सॉल्यूशन करा देंगे ठीक है चलिए सर